वेलकम टू आयरवाइज। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से रिलेटेड सभी एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर होंगे। और हाँ, रिवाइज करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर वन इज इन विच कंट्री 18th नॉन अलाइन मूवमेंट समिट विल टुक प्लेस। तो किस देश में 18वीं नॉन अलाइन मूवमेंट समिट जो बैठक है वो होगी? तो इसका आंसर है अजरबैजान। नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 में किया गया था। अजरबैजान का कैपिटल बाकू है और यहाँ के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव हैं। अजरबैजानी मनात अजरबैजान की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर टू, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन हैं जो कि दोबारा से चुन करके आए हैं? तो उनका नाम है जोको विडोडो। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता और इंडोनेशियन रुपया वहाँ की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन टू इंट्रोड्यूस सीमलेस कम्यूटर सर्विस ऊबर ट्रांजिट एट सिलेक्टेड मेट्रो स्टेशंस इन दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली के कुछ सिलेक्टेड मेट्रो स्टेशन पे ऊबर ने अपनी एक नई सर्विस शुरू की है, ऊबर ट्रांजिट। तो इस कंपनी का नाम है ऊबर। दारा खोरसरो वासी इज द CEO, ये वहाँ के ऊबर के हेड हैं। सैन फ्रांसिस्को इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ऊबर। DMRC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है। DMRC की स्थापना 3 मई 1995 को की गई थी, 3rd May 1995, एंड मंगू सिंह इज द CEO ऑफ DMRC। क्वेश्चन नंबर फोर इज रिसेंटली इन विच सिटी आयुर्वेदा पैलिएटिव केयर यूनिट हैज़ बीन स्टार्टेड। अभी हाल ही में किस शहर में आयुर्वेदा पैलिएटिव केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया है, इनको खोला गया है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। और इसका उद्घाटन मिनिस्टर ऑफ आयुष श्रीपद यसो नायक ने किया था। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 9 नवंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव इज व्हाट इज द थीम ऑफ 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे हम IFFI भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या है? आंसर है द जॉय ऑफ सिनेमा। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लेना। और गोवा की बात करें तो प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मृदुला सिन्हा गोवा की गवर्नर हैं, पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हु विल बी द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। लद्दाख के नए पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनेंगे? तो इसका आंसर है सत्यपाल मलिक। अभी प्रेजेंट में सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और उसके बाद ये दो जो यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं 370 के आने की वजह से, जम्मू कश्मीर स्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दो यूनियन टेरिटरीज में, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे सत्यपाल। क्वेश्चन नंबर सेवन इज हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू इंडिया हेड ऑफ टिकटॉक। आप जैसा कि देख ही रहे होंगे टिकटॉक हर किसी के मोबाइल में आजकल मिल जाएगा, तो इंडिया में टिकटॉक को हैंडल करने के लिए किसको हेड बनाया गया है? तो आंसर है निखिल गांधी। कम से कम ये पता होना चाहिए हर किसी को। क्वेश्चन नंबर एट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर
फॉर द चेल्सा फुटबॉल क्लब फॉर इंडिया। अभी हाल ही में चेल्सा फुटबॉल क्लब फॉर इंडिया के लिए किसे नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अर्जुन कपूर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज पुलिस कोमेमोरेशन डे ऑब्जर्व्ड? पुलिस कोमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को पुलिस कोमेमोरेशन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हिच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड द जैपनीज एनसेफेलाइटिस पेशेंट्स अंडर द अटल अमृत अभियान हेल्थ स्कीम? किस राज्य ने जैपनीज एनसेफेलाइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को अपने राज्य की अटल अमृत अभियान हेल्थ स्कीम में इंक्लूड किया है? तो इसका आंसर है असम। और असम की बात है तो सर्बानंद सोनोवाल वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीश मुखी इज़ द गवर्नर ऑफ असम और असम का कैपिटल है दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 11, नरुहितो विल बी जापान्स एम्परर ऑफ विच नंबर? नरुहितो जो कि जापान के एम्परर बनेंगे तो वो कौन से नंबर के एम्परर होंगे? तो आंसर है 126th एम्परर ऑफ जापान, 126वें एम्परर होंगे। जापान की बात है तो सिंजो अबे इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एंड टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान एंड वहाँ की जो करेंसी है वो है येन, येन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। टू विच स्टेट इंडियन बॉक्सर अमित पंगाल बिलोंग्स? अमित पंगाल जो कि इंडियन बॉक्सर हैं वो भारत के किस राज्य से हैं? तो इसका आंसर है हरियाणा। अब हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड सत्यदेव नारायण आर्या इज़ द गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोस एंड बी हैप्पी।